हेलो एवरीवन, बेटा बात ना हो आगे भी और पीछे भी। आधे से ज्यादा बच्चे आज गैप हैं, बहुत बढ़िया। मैं गारंटी के साथ बेटा हर एक बैच को स्टार्ट करने से पहले कह रहा हूँ, रियलिटी होने वाली है, ये निकलेगी बात। जो आ ही नहीं रहा, जो पढ़ ही नहीं रहा, वो बेटा प्री बोर्ड में भी फेल है और बोर्ड में भी फेल है। बेटा प्री बोर्ड में तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी अभी थोड़ी बहुत, देखो कैसे फेलियर आते हैं। हाँ, अभी के लिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं, बात ना हो शांत। बेटा लास्ट लेक्चर में पहली बात, करंट ईयर में ये चैप्टर 6 का क्या बन जाएगा, 5, उसके पीछे का रीजन क्या है। जो 1 2 3 है वो तो एज इट इज आपके सिलेबस में, तो जो चैप्टर 4 पिछली बार था कौन सा, वो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। फिफ्थ चैप्टर हमने SCF, जिसमें मैंने 2 3 तो यही समझाए थे, और 3 लेक्चर मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। बेटा सीधी सी बात है, जिसने किए उसका ही बेनिफिट है, उसे ही पेपर में आसानी होगी, टेस्ट देने में आसानी होगी। जो नहीं कर रहा, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तुम बेटा मुझे 100 रीजन दे रहे हो ना पढ़ने के, और मैं किसी पे भी कितनों को कह दूंगा, एक एक घंटा कितनी बार बर्बाद करूंगा बैच का। तुम बेटा अपने आप के लिए एक रीजन ढूंढ लो कि ये हमें कब और क्यों करना चाहिए। बेटा बड़ी जल्दी नेक्स्ट सैटरडे ही टेस्ट होंगे, मतलब इस सैटरडे जो भी टेस्ट होंगे। अभी के लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट। क्या है इस चैप्टर का मीनिंग और क्यों पढ़ना है ये चैप्टर, समझना बहुत आसान है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, गांव की क्या करनी है डेवलपमेंट। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्या इंट्रोडक्शन से पेपर में कुछ आएगा, नहीं आएगा कुछ नहीं, लेकिन चैप्टर का बेस बनाना बहुत जरूरी है। और भैया फिर गाँव के डेवलपमेंट के लिए करना क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा इंडिया में मेजर क्राउड गांव में रहता है या शहरों में रहता है, मेजर पॉपुलेशन इंडिया की कहाँ है बेटा, यही तुम्हारा भ्रम है। इंडिया की मेजर पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है आज के दिन भी, गांव में रहती है बेटा। कम से कम भी 60 to 70% जनता आज के दिन भी, बेटा ऑफिशियल डाटा मैं दिखा दूंगा अभी आपको, कम से कम भी 60 से 70% जनता किस में रहती है आज के दिन भी, गाँव में रहती है। और दूसरी बात, जहाँ पे ज्यादा जनता रह रही है, वो ज्यादातर जनता है किस पे डिपेंडेंट, जरा ध्यान से समझना। गांव के ज्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर, और उसकी हालत ही खराब है। अगर उसकी हालत खराब है तो मतलब तुम्हारी हालत क्या है, खराब है। अगर तुम अपने इंडिया को डेवलप करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो इंडिया ग्रो करे, तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या ग्रो करे, रूरल इंडिया। भैया क्या ग्रोथ कराना चाहते हो गांव में, तो देख लेते हैं। 3 4 चीजें ही होती है ग्रोथ के लिए। एक चीज तो होती है वहां पे क्या इम्प्रूव हो जाए, सबसे पहले रोड, जिसकी हालत अभी बहुत खराब है। अच्छा भैया उसके अलावा क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, भाई बिजली आ जाए वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी। बेटा यहाँ पे कोई अगर है, हमारे यहाँ है कोई जो गाँव से बिलोंग करता है या डेली इस समय अप डाउन करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सिनेरियो समझा देगा कि इलेक्ट्रिसिटी का सिनेरियो क्या है। और इवन मैं आपको, मैं ना हमेशा जहाँ पे भी समझाता हूँ, मैं हमेशा रीसेंट एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस पे बात करता हूँ, कि अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो मैं आपको बता दूँ, आपको पता ही है कि मैं 2 3 दिन बेटा यहाँ नहीं था, देहरादून गया हुआ था। उन्हें तो कुछ सिखा ही रहा था और कुछ ना कुछ उनसे बातें करके सीख भी लेता हूँ। तो ऐसी बात हो रही थी वहाँ पे एक से, तो वो कहने लगा, सर आपको पता है यहाँ पे उत्तराखंड में अभी कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ की हालत इतनी खराब है कि 6 बजे के बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है, और उस एरिया में आप 6 बजे के बाद जा ही नहीं पाते। कह रहे सर बहुत दूर नहीं है, हम देहरादून में यहाँ खड़े हुए, ये 100 किलोमीटर के आसपास ही इतने गांव मिल जाएंगे कि वहाँ आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे हैं आज के दिन भी। और अगर मैं छोड़ूँ, ये तो अभी बिल्कुल कल की बात बता रहा हूँ, परसों की थोड़ी सी पुरानी बात बता दूँ, लेकिन आसपास के एरिया की बात बता दूँ, आज से 3 4 साल पहले भी मैं इन चैप्टर्स पे जब डिस्कशन करता हूँ गाँव पे, तो एक स्टूडेंट मुझे खुद कह रही थी, सर ये जानसठ रोड जो है, ये हमारी शहर की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे जो द एसजी पब्लिक स्कूल जो खुला है, उससे पहले ही थोड़ी सी राइट में गली जा रही है और वहाँ पे गांव है बहुत सारे। कह रहे उस गली में हम 10 20 किलोमीटर अंदर चले जाएं तो कह रहे हमारे यहाँ सर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं थे। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सर इस साल लगे हैं, और वो कनेक्शन अभी लगे हैं, वो एक्टिवेट नहीं हुए अभी भी। हम जो मन करता है वो इलेक्ट्रिसिटी, जो मन है हम उतनी देर चला लेते हैं। और दूसरी बात, कोई फिक्स नहीं है कितनी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कितनी देर के लिए नहीं आएगी।
अगर तुम गांव में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट फार्मिंग के लिए पैसा वहां पे देना, वहां पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स नहीं पहुंचा पाए, तो बेटा आपके एरिया की कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। बेटा हॉस्पिटल तो अभी हमारे जैसे शहरों में ही नहीं है, तो गांव की तो मैं क्या ही हालत बता दूं। तो इन शॉर्ट, हालत अभी बड़ी टाइट है, और इस हालत को ही हम क्या करवाना चाहेंगे इस चैप्टर में, इम्प्रूव। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, याद नहीं रखना आपको, पढ़ लेते हैं फिर भी, जो याद रखना होगा बता दूं। देखो मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है, ए मेजर पोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे रह रही है, रूरल एरिया, और ज्यादातर गांव में लोग क्या हैं, पुअर और एज वेल एज बैकवर्ड, और क्या है, अनप्रिविलेज सेक्शंस है बेटा, जिनके पास बेसिक एमेनिटीज नहीं है। बेटा मैंने तुम्हारी जिंदगी से आज के दिन अगर फोन ले लिया ना, और उसमें से मतलब नेट तो हटा ही दिया जिंदगी से एक हफ्ते के लिए, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे पागल हो जाएं, है ना। और उनके पास बेटा, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि मम्मी पापा दीदी बहन, होने वाली दीदी, है ना, कुछ भी, बेटा सबके फोन से अगर नेट हटा दिया तो बेटा तुम्हारी जिंदगी बड़ी दिक्कत में आ सकती है। शायद तुम पानी के बिना जी लोगे, लेकिन पीछे से कुछ आवाज आई, मुझे कुछ तो कह रही थी, ट्यूशन? नहीं बेटा, मेरा ट्यूशन तो लो अभी चल रहा है, चलता रहेगा। जो ऑनलाइन वाले हैं बेटा, वो वैसे भी नहीं पढ़ रहे, वो वैसे भी नहीं पढ़ते, जिसकी पढ़ाई होनी है वो सामने ही आके होनी है। और मैं सही बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ, हो जाए बेटा ये लाइफ के लिए ऑनलाइन बंद, आ जाओ आप सामने, कम से कम मेरा कंट्रोल तो रहता है। तुम सामने नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन के तो क्या ही चांसेस हैं, क्या बेटा? होने वाली दीदी कहते अच्छा, होने वाले दीदी, बेटा समझदार को इशारा काफी, दीदी का मतलब दीदी ही नहीं होता, है ना। और बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ पे मैंने ये डिस्कशन इसलिए करा बेटा, तुम्हारी रियलिटी बता दूं तुम्हें बेटा, जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 1 साल तक इंटरनेट सर्विसेज बैन रखी थी उन्होंने वहां पे, 1 साल तक। और वो क्राउड सोचो क्या करता होगा, पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू लगा हुआ है, और इंटरनेट आपको चलाना अलाउ नहीं है मेरे कॉल वहां कट रही की। थी, उनका क्या बेटा? कॉल हो गया। बेटा वहां पे कॉल पे भी अगर मैं तुम्हें वहां की रियलिटी बताने लग गया, वैसे तो तुम्हें जब ये, तुम जब इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स पढ़ रहे थे, तो वहां के टीचर को प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा देना चाहिए था कि कितनी बुरी हालत है वहां पे। बेटा वहां पे अगर आप कॉल भी करते हो ना, तो वहां की आर्मी ने कुछ पैरामीटर्स लगा रखे हैं, अगर ये वर्ड किसी ने भी अपने कॉल में बोले तो अपने आप ही उसकी कॉल किस में चली जाएगी, उसकी ये कॉल, मतलब हाँ, ये मैंने टैप ऐसा होने। नहीं दिया। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चेकिंग है, बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अभी गया था, जिसमें 2-3 साल हो भी चुके हैं इस आर्टिकल को रिमूव हुए हुए, आज के दिन भी वहाँ पे आर्मी 1-1 किलोमीटर पे गन पॉइंट पे एक्टिव रहती है। एक्टिव इन द सेंस, वो यहाँ पे ये नहीं है कि आर्मी है, आर्मी ने हाथ में गन ऑलरेडी बिल्कुल पोजीशन पे है, कि 1 सेकंड भी किसी ने गलती से भी सेकंड से कुछ करने की कोशिश करी, पूछेगी बाद में, गोली पहले चलेगी। हाँ भाई साहब, हिम्मत कैसे हुई थी, चेक पोस्ट थी, गाड़ी रुकी क्यों नहीं, यहाँ कैसे हिम्मत करी चेक पोस्ट क्लियर करने की, वो 2 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती इस चीज को लेके, ऐसी हालत है वहां पे। आप समझ लो कि तुम अगर रह रहे हो तो कितनी अच्छी पोजिशन में हो, कि तुम्हारे यहाँ एटमोसफेयर अभी बहुत अच्छा है और लोगों को लगता है कि बड़ी हैरानी की। तो बेसिक अमेनिटीज की बात आई तो मुझे ऐसी समझ में आ गया कि तुम्हारे पे कितनी फ्रीडम है, और कुछ एरिया ऐसे भी है इंडिया में, क्योंकि तुमने कहा ना भैया गांव में तो लोग रहते ही नहीं होंगे, गांव में क्या ही तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बातें कुछ बता दी। देखो, और एक नेशन की डेवलपमेंट कभी हो सकती है, जो मैंने बताया, जब उसके कौन सा नेशन डेवलप करेगा, रूरल एरिया, जो गांव में लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दो, उन्हें सोशली, पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली, जब डेवलपमेंट का बेनिफिट गांव तक पहुंचेगा, इनकम रेदर देन अर्बन एरियाज, तभी डेवलपमेंट ट्रू सेंस में होगी। और इंडिया सही में 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है, एक तो मेट्रो सिटीज, जब हम गुरुग्राम, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर देखते हैं तो हमें लगता है भाई साहब वाह, इंडिया क्या ही तो ग्रोथ करता है, और जब हम इंडिया के गांव की हालत देखते हैं तब समझ में आता है कि भाई साहब अभी तो ग्रोथ में बहुत कुछ पेंडिंग है। तो इसीलिए ग्रोथ तभी होगी जब किसकी ग्रोथ हो, गांव की ग्रोथ हो। और जो मैंने आपको पहले समझाया,
गांव में मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या हो रहा है? डिक्लाइन। बताओ जहां पे ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां के ज्यादा लोग डिपेंडेंट भी किस पे है, और वही उसकी हालत ही क्या हो रही है? खराब। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम। ज्यादातर लोग गांव में एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और जहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी है? लीस्ट। स्टेबल अनएम्प्लॉय स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और कंडीशन बुरी से बुरी हो रही है। ये खाली इंट्रोडक्शन दे दिया जिससे समझो कि चैप्टर पढ़ क्यों हो रहे हो। अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भैया है क्या गांव की डेवलपमेंट का मीनिंग। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई, रूरल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल टर्म। भैया कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? बेटा यहाँ पे कितने बच्चे हमारे यहाँ काफी अच्छे होशियार बैठे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग, सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या कोई बताना चाहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव? जैसे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी बता रहे थे, ऐसे नहीं, इट स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद वाई, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव? हाँ, ये एक वाइडर कंसेप्ट है, इसका मीनिंग काफी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है। देखो क्या बताया, इट गिव इम्फेसिस ऑन डेवलपिंग द सेक्शन ऑफ रूरल एरिया। गांव में उस एरिया को डेवलप करना है जिसमें सोशल इकोनॉमी इश्यू। देखना गांव में क्या क्या काम करना है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही काम है। गरीबी कम कर दो, अच्छा ठीक है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा देंगे। खाने पीने की कमी है, माल न्यूट्रिशन दे देंगे, चलो अच्छा। और कुछ ना ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये भी कर देंगे। थोड़ी सी कंडीशन इम्प्रूव कर देना, थोड़ी से भलाई कर देना, बस काम हो गया। तो तीन चार पांच चीजें, ज्यादा नहीं है, है ना बेटा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस ये तीन चार पांच चीजें, और क्या? गवर्नमेंट ही पॉवर्टी दिखता है ऐसा बेटा, ये सच्चाई वैसे। है। गवर्नमेंट को नहीं दिखता क्योंकि तुम बेवकूफ लोगों को नहीं दिखता बेटा। जब वो इलेक्शन के लिए तुम्हारे पे आते हैं वोट मांगने के लिए, तुम इतने अवेयर हो ही नहीं कि जिस दिन वो वोट मांगने आए उससे दो तीन टॉपिक पे पूछो कि हाँ भाई तुमने सही में इंडिया में कितनी पॉवर्टी कम करी है, बताओ। बेटा मेरे पे कोई मांगने तो है, मेरे पे कोई मांगने तो है, फिर मैं अभी बताऊंगा कि हमने कैसे भी वोट पूछना है नहीं कैसे नहीं डाले। पूछनी है बेटा। इंडिया में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आप समझते ही नहीं कि आप पे सबसे बड़ी पावर है बेटा। बात ना हो कुछ एरिया जिसमें कुछ इमीडिएट एक्शन की जरूरत है गांव की डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन से ये देखना, थोड़े बहुत ही एरिया है। कह रहे गर्ल्स को एजुकेशन पे फोकस दे दो, अच्छा। हेल्थ केयर फैसिलिटी साफ सफाई करवा दो, अच्छा। लैंड रिफॉर्म्स की मतलब इन इक्वल, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई तो भाई साहब इतनी जमीन लेके बैठा है, किसी के पास इतनी भी नहीं अभी है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बेटा। बताऊंगा उसका भी अलग अलग तरीके हैं। ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, मेरा चैप्टर का फोकस प्रॉब्लम पे नहीं है। वो एक लाइन में बता रहे हैं ये काम करना है, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, मतलब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जिससे गरीबी क्या हो जाए, कम हो। तो कुल मिलाकर रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, इसका फोकस किस चीज़ पे है? भाई साहब लिटरेसी रेट भी बढ़ाना है, पॉवर्टी भी कम करनी है, साफ सफाई भी करवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। जब ये सारी चीज हो जाएगी हम क्या कह देंगे, गाँव की डेवलपमेंट होगी। तो द्वारा अभी पेपर के लिए क्या क्वेश्चन बने जो एनसीईआरटी पे आ सकते हैं? एक लाइन तो रूरल डेवलपमेंट की आएगी, तो क्या लिखोगे? इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल टर्म। अच्छा किन किन चीजों पे फोकस रखना है? तीन चार चीजें याद रखते हैं, लिटरेसी इंप्रूव करवा दो, हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी, मतलब जो सारे बड़े इशू होते हैं वो सब लिख दो। भाई साहब गरीबी भी कम करनी है, पढ़े लिखे लोग भी बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान देना है। बेटा मैं एक सिंगल सिंगल टॉपिक पे आधा आधा घंटा बोल सकता हूँ आपसे, लेकिन मेरा फोकस ये नहीं है ना, मेरा फोकस है समझा दे और आगे बढ़ना है। मैं बोलता इसलिए हूँ जिससे कि लिंक कर पाओ टॉपिक को। बेटा गाँव में ना ये रियलिटी है, गाँव क्यों, गाँव पे जाने क्यों, मैं तो यहीं पे बैच में गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कितनों के पेरेंट्स क्लियरली कह देते हैं आफ्टर 12th आपको पढ़ना है तो यहीं से पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, हम आपको बाहर जाना अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिया राइट नाउ।
और ये मैं आज का सिनेरियो इसी बैच पे बता रहा हूँ, इसी बैच में जिसके घर वालों ने पहले कंडीशन लगा दी होगी, पढ़ना है यहीं से पढ़ लो, और रियलिटी है क्या पढ़ोगे तुम यहाँ से भाई, कुछ भी नहीं भाई, इतना सा शहर नहीं है, शुरू होने से पहले खत्म है, कहाँ चले जाऊंगे। ठीक है ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई, लेकिन जो ग्रोथ पर्सनैलिटी की यहाँ से बाहर निकल के है, जो ग्रोथ सीखने के चांसेस अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर मिलेगी, वो कभी भी आपको यहाँ मिल नहीं सकती। हर एक चीज पे काम करना है हमें, ये वाली बात है। अच्छा भैया गांव की डेवलपमेंट क्यों हो जरा ये बताओ, एक एक करके समझते हैं। आज के दिन आपको पता है कि हमारे लिए जो क्या क्या चीजें जरूरी है, जरा बात को एक एक करके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझाता हूँ आराम से। खैर अगर आप इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते हो तो किसकी ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, रूरल डेवलपमेंट। फिर वही बात है उसके पीछे का रीजन रीजन क्या है। खैर अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ, दिल्ली बेंगलोर हैदराबाद, ये तो फ्लरिश कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशनरी फेस, मतलब एक नेक्स्ट लेवल फेस है भाई साहब, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, बेटर लाइफ भी है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाईटेक डिवाइस, यहाँ पे क्या है फैसिलिटीज, और एक दूसरी जगह है जहाँ पे बेसिक नेसेसरी चीजें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, घर नहीं है। जब ये चीजें नहीं होंगी तो कहाँ से बात करेंगे हम अच्छे टेक्नोलॉजी की, कहाँ से बात करेंगे हम हाईटेक डिवाइसेस की। तो बेटा वो यही कह रहा है, गांव की डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है, शहर की तो कर दी, अब सारा फोकस किस पे लाओ, गांव पे। बेटा ये नेक्स्ट लाइन तो आपकी आंखें खोल देगा, कह रहे ये आज के दिन भी माना जाता है और ये रियलिटी है। कितने लोग आज के दिन एक पैरेलल इकोनॉमी में रह रहे हैं, मतलब जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, मतलब वो जंगलों में जी रहे हैं, और मतलब वो उनकी लाइफ फॉरेस्ट में है, वो ही ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं जीने का, वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, वो कितने ही सदियों पीछे है हमारे से, मतलब ना वो इलेक्ट्रिसिटी ना वो घर, वो किसी का यूज नहीं करते, ना वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, अपने ट्रिबल अपने ट्राइब्स बने हुए हैं वहीं पे, वो क्या करते हैं कुछ ना कुछ अपने लिए खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। क्या बेटा, बेटा हर एक जगह है ये ज्यादातर जहाँ फॉरेस्ट एरिया वहां पे ज्यादा मिलेंगे, और वो क्लियरली कहते हैं भाई हमें नहीं जीनी तुम्हारी जिंदगी, आपको जहाँ रहना है आप वहां रहो, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, मोह माया से दूर है हम, इस मोह माया में हमें ना लाओ, और वो अलाउ ही नहीं करते। और ये बुक में लिखी हुई है तो कोई बात है इसमें सच्चाई, ऐसा नहीं है, ऐसा सच्चाई नहीं है। तो देख लो कह रहा अभी तो कितना ही हमारे यहाँ बैकवर्ड एरिया भी है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे जो अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज हैं, अंडर हम मैं भी अपनी इसी को ले आता हूँ, अपने मुजफ्फरनगर को इसी कैटेगरी में, अंडर डेवलप्ड बेटा। हाँ सिविलाइज सिटी, क्रिमिनल बोलूंगा तुम्हारे सामने तो डंगरो, वहां तो सिविलाइज बोलता हूँ, यहाँ तो तुम्हारे तुम्हारे और अपने में क्या ही तो फर्क है। अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज यूथ को फोर्स करता है कि आप अपने इस गांव से कहाँ चले जाओ, शहर में या दूसरे कंट्री में, और मैं सही कह रहा हूँ तुम्हें, बता रहा हूँ, ऑप्शन मिले यहाँ से भागने का तो भाग जाना, मुझे नहीं मिला, और क्या पता मुझे भी मिला जिस समय मैं भी भाग जाऊंगा। ठीक है तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है बेटा, मजाक से हटके अब रियलिटी खोल लेते हैं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो आफ्टर 12th बाहर स्टडीज करने के लिए कौन कौन जाने वाला है, ये देख लो तुम्हारे सामने रियलिटी है। अभी मैंने ये कहा कि कौन कौन जाने वाला है, बेटा हैंड्स डाउन कर लो, तो बेटा तुम्हें समझ में आ गया, तुम सब सिविलाइज सिटी में रहते हो, तुम इसीलिए यहाँ से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है ना। और थोड़ा सा सीरियस होके भी डिस्कशन करूँ तो बात यही निकलेगी, यहाँ वो ग्रोथ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो आपको बाहर मिल सकती है, जो आपकी बाहर तो पर्सनैलिटी मुझे कभी डेवलप हो। आएंगे भी बेटा अभी तो हमारा एक छोटी सिविलाइज सिटी से एक और बड़ी सिविलाइज सिटी है मेरठ, अभी वहाँ की डेवलपमेंट हो जाए पहले, फिर यहाँ की बातें कर लेंगे ना। और बेटा जब आपके जमाना आएगा, अगली पीढ़ी आएगी आपकी, तब तक अगर कुछ हो जाए, बेटा किसने का, वो एक बार टैग मिला था और वो टैग वापसी ले लिया गया, दोबारा बेटा बात ना हो।
अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज यूथ को फोर्स कर रहे हैं कि इस गांव से निकल के दूसरे कंट्रीज, दूसरे सिटीज में जाओ, और सिंपल रीजन बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। और ये कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? ब्रेन ड्रेन, क्योंकि लोग यहाँ से पढ़ लिख के कहाँ जा रहे हैं? डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में, जो कि हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ब्रेन ड्रेन पे मीनिंग सबको पता है, ब्रेन ड्रेन का मीनिंग क्या होता है? बस शांत, मैं बता रहा हूं ना, शांत शांत। ब्रेन ड्रेन का मीनिंग क्या है? सिंपल, ब्रेन ड्रेन का सिंपल मीनिंग ये है, तुमने पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, नॉलेज सब यहाँ से ली, जब तुम्हारा टाइम आया सोसाइटी को सर्व करने का, जब तुम्हारा टाइम आया इंडिया की भलाई करने का, तब तुम भाग गए। मैं सुन तो लो भाई, ही बस बीच में ना बोलो, सुन लो, फिर सुन लो। बस एक तो सब्र नहीं है 2 मिनट सुनने का, मेरी पूरा कंसेप्ट समझो। ब्रेन ड्रेन का सिंपल मीनिंग ये है, एक तो बच्चा फोन छोड़ दे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ में आज के दिन। सुनता था। ब्रेन ड्रेन का सिंपल मीनिंग ये है, बच्चा यहाँ से कहाँ जा रहा है? दूसरे कंट्रीज में। वो सिंपल रीजन ब्रेन ड्रेन का मीनिंग है, आप वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हो, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी पे तो एडवर्स इफेक्ट आएगा ना। आज के दिन बाहर की जितनी भी टॉप कंपनीज है, जैसे ट्विटर था, अभी बेशक वहाँ के सीईओ को हमने फायर कर दिया, लेकिन वो कौन से था? इंडिया से। गूगल का सीईओ कहाँ से है? इंडिया से। ऐसी कितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जिसका सीईओ कहाँ से मिलेगा? इंडिया से। पढ़ाई लिखाई सब कुछ उन्होंने यहाँ से करा, जब सर्विस देने की बारी आई तब तो वो इंडिया के बाहर चले गए। दिस इज ब्रेन ड्रेन। और अगर वो बंदे इंडिया में रहते तो इंडिया कितना ग्रो कर जाता। अब ब्रेन ड्रेन हमारी इकोनॉमी को तो एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं ना। अगर मैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा तो ये तो बताऊंगा ना कि भाई हम एडवाइस दे रहे हैं ऐसे लोगों को कि तुम बाहर ना जाओ, तुम्हें कहाँ ही रहना चाहिए? इंडिया। लेकिन वो तभी रहेंगे जब उन्हें लगेगा यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, यहाँ सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो यहाँ रुकेंगे। इकोनॉमी तो हमेशा ये कहेगी ऐसे लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए जो हमने यहाँ पढ़ना है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता दूँ, चाहे आप हो या मैं हूँ, जब मुझे बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं यहाँ क्यों ही तो रुकूंगा? मैं आपको कह रहा हूँ, बाहर वाले आपको 50 लाख का ऑफर दे रहे हैं, आप कहोगे भाड़ में गई देशभक्ति, मुझे क्या करना देशभक्ति से? दिस इज फैक्ट। मैं जितनी मर्जी कहानी सुना दूं, ब्रेन ड्रेन होगा ही होगा जब तक यहाँ पे आप चीजों को इम्प्रूव नहीं करोगे। और कह रहे गांव में इतने लोग सुसाइड करते हैं, उससे कौन सी साइड भी पता चलती है? डार्क साइड ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो बेटा अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो, आप चाहते हो यहाँ के लोग यहीं रहे, तो आपको इमिडिएट क्या करना पड़ेगा? गांव में क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? बेटर एजुकेशन और साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज। गांव में क्या लानी पड़ेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम से स्टार्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि गांव के लोग इकोनॉमिकली ग्रो करें, गांव में ही रहें और कहाँ पे माइग्रेट ना करें, गांव से शहर। बेटा ये भी इंडिया का एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। अब जब गांव के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर में। और शहर पे इतना प्रेशर आ गया जिसकी हद नहीं है। 3 3 घंटे के जाम लग रहे हैं भाई साहब एक एरिया में, 3 3 घंटे कारों में बैठे हैं लोग। क्यों? क्योंकि गांव में कुछ है नहीं, तो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अगर तुमने गांव में अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स दे दिए, तो वो क्यों आएंगे आपके पास? उन्हें वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई, तो वो क्यों आएंगे आपके पास? बेटा ये मजाक नहीं है, दिस इज द सीरियस इशू फॉर इकोनॉमी। और सरकार जाग रही है, आंखों मतलब थोड़ी सी नींद से खुल चुकी है वो, इसीलिए गांव क्या, अगर बताऊं प्रैक्टिकली इसी प्रॉब्लम के लिए क्या कर रही है, दिल्ली को मेरठ से क्यों लिंक किया जा रहा है? वहां इतना ओवरक्राउड हो चुका है ना, इतना ओवरक्राउड हो चुका है, तो वहां के लोगों को समझा रहे हैं भाई तुम ऐसा करो, यहाँ पे बहुत ओवरक्राउड है, यहाँ रुको, तुम्हें यहाँ जॉब करने के लिए आना है तो यहाँ से, यहाँ हमने बहुत अच्छी रोड बना दी, यहाँ से लेके यहाँ के लिए मेट्रो बना दी, जिससे कि तुम दिल्ली रुको, मेरठ रुको, तुम्हारी ट्रैवलिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसे खाली करो, इसे खाली करो। ओवर प्रेशर आ रहा है यहाँ के रिसोर्सेज पे, ओवर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, खत्म हो जाएगा ये एरिया, जितना डेवलप्ड हो रहा है ना, जीरो हो जाएगा एकदम। इसीलिए वो अपने इस क्राउड को आसपास शिफ्ट करने में लगी हुई है कि
अच्छा मेरठ से कनेक्टिविटी बना दी, दिल्ली से नोएडा से कनेक्टिविटी बना दी, यहाँ से कुछ एरिया को कंपनीज को भाई गुरुग्राम में इसको शिफ्ट करो, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, पूरे एरिया की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये सरकार की प्लानिंग है कि यहाँ पे ना रहो, इसीलिए इतना पैसा नहीं बना रही लगा रही सरकार मेट्रो बनाने में। रीजन है, प्रॉपर प्लानिंग कर रही है और वो समझा भी रही है कि यहाँ माइग्रेट ना हो भाई, बहुत बुरी हालत है हमारे शहरों की, हमारे जो फाइनेंशियल कैपिटल और कैपिटल है। तो ये इसीलिए कहा गया रूरल इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना चाहिए, सेम जैसे क्या ग्रो कर रही है अर्बन। अचीविंग दिस वुड ओनली लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ओवर इकोनॉमी। एक लाइन बहुत ही अच्छी लिखी और ये फैक्ट है, इंडिया विल ग्रो ओनली व्हेन रूरल इंडिया ग्रो। अगर इंडिया के गांव गरीब हैं तो इंडिया गरीब है। और एक बात याद रख लेना, तुमने अभी इंडिया देखा ही, जिसने गांव नहीं देखे ना इंडिया के, उसने कुछ नहीं देखा। इसे रीड कर लो, 2 मिनट बाद देखते हैं, इसे रीड कर लो जल्दी से, कोई डाउट है? पूरा का पूरा जो टॉपिक सुनना है बोलता बेटा, आज मैंने दो तीन टॉपिक कराए, रूरल डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, मीनिंग के बाद नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसे कल आप यहाँ सारे रिवाइज करके आना, जो इसके आगे का चैप्टर है कि गांव की डेवलपमेंट कैसे होनी है, वो कल से स्टार्ट करें।